तो दोस्तों आप वीडियो की थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। गाइस वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों मिस्टर फेस उन्हें खोल दिए हैं अपनी शादी को लेकर बहुत बड़े राज, जिसे सुनने के बाद गाइस आप भी खुश हो जाएंगे। तीन है, मैं इंशाल्लाह 1-1.5 साल में। अरे वाह। हाँ भारती जी, भूलो मत, मैंने आपको बोला आप मेरी शादी में आ रहे हो और आपने बोला था मैं एंकरिंग करूंगी। ये भी करेंगे पहन के। पक्का ना? कर लो भाई, कर लो। लॉक कर लिया, लॉक कर लिया। अभी डेट ही बॉम्बे की लड़की होगी ना? वो नहीं पता मेरे को, मेरी मम्मी ने देखी है। 1-1.5 साल बोला तो मुझे लगा रिलेशनशिप में होगा और अभी डिस्क्लोज करेगा। नहीं, ऐसा है कि मतलब 1-1.5 साल में कर लेना, क्योंकि अभी ऐसा है कि मैं 28 ईयर्स का हो गया हूँ और ना मेरी अम्मी की एज बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि घर में अम्मी को काम करना पड़ता है, जाहिर सी बात है अभी अम्मी कर रही है। और भी बहुत सारे लोगों को बाहर से भी हायर कर सकता हूँ जो हाउस हेल्पर होंगे, मैं उनसे भी काम करवा सकता हूँ। बट रहता है ना कि एक एज निकलने के बाद में शादी करने का पॉइंट नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है यार। तो ये है और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो दोस्त है मेरा भाई जैसा अदनान। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर फैसू और जन्नत जुबैर की शादी का तो नहीं पता, लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि मिस्टर फैसू शादी अपनी जन्नत जुबैर से ही करेंगे। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जन्नत जुबैर से शादी करना इतना भी आसान नहीं होगा फैसू के लिए। और दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जन्नत जुबैर के पापा ने खुद ये बात कही है कि जन्नत जुबैर अपनी मर्जी से सोशल मीडिया में कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। और गाइस रही बात शादी की, तो उसके पापा ने शादी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है। और गाइस ये बात खुद जन्नत जुबैर ने भी कही है कि शादी को लेकर मेरा कोई भी इरादा नहीं है। और गाइस मिस्टर फैसू जन्नत जुबैर से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और गाइस आप भी अगर चाहते हैं कि मिस्टर फैसू की शादी जन्नत जुबैर से हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।